Hello friends, welcome to Odisha Job Academy. So friends, let's begin our discussion with today's topic, that is your physics. Unacademy होची इंडिया रो एवं ओडिसा रो सबटो लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म Unacademy रे आपन माने जॉइन करी मागणा रे बा प्लस क्लास आपन रो सब्सक्राइब करी प्लस क्लास रो एडवांटेज नै परिबे. सो Unacademy रे जो माने आपन रो फ्री क्लास करिबा को चाहछथि मोर रेफरल कोड PM2022 मध्यम व्यवहार करी आपन माने फ्री क्लासेस एवं आपन रो फ्री क्विज रो फायदा मथे नै परिबे. Unacademy रो प्लस फीचर्स रे आपन रो सब्सक्रिप्शन नेला परे आपन माने फेवरेट एजुकेशन स्टोर पढि परिबे, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन ओपीएससी ओएसएससी और ट्रिपल एससी पे करि परिबे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज एवं कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस आपन रही परबो. स्पेशल क्लास आपन सब एजुकेटर्स मानकर मध्य आपन माने करि परबे जोथरे कि मागण रे Unacademy रे शिक्षा दिया जाय. सही प्रकार Unacademy रे बहुत रे बैच कोर्सेस मध्य अछि, ए बैच कोर्स को मध्य आपन माने जॉइन करि परबे जेमति कि आपन हमर दृष्टि बैच अपन रही है जो थी कि आपको ओसीएस मेन्स अपन प्रिपरेशन स्टार्ट करा जाए. ये हूँ Unacademy रो ओपीएससी सब्सक्रिप्शन है. सही प्रकार Unacademy रो टीचिंग रो सब्सक्रिप्शन हमर सृष्टि बैच रही जोटा कि टीचिंग एग्जाम पर 16 तारीख रो आरंभ होई. सही प्रकार हमर उन्नति बैच रही जोटा कि ओएसएससी सीजीएल और बैंकिंग रे आपन ओ ट्रिपल एस एग्जाम प्रिपरेशन अपन करा जाए. तो ये आपन Unacademy अनलिमिटेड बैचेस को आपन जॉइन कर परबे. सब सप्ताह सब मासरे बहुत गुड़े नुआ नुआ बैचेस आसे, आपन जिते बैच आपन एनरोल कर परबे, क्लास मिस कले रेकॉर्डिंग मथे देखि परबे. Unacademy गोटे बहुत बड़ा क्विज प्लेटफॉर्म मध्य जो थरे आपन माने फ्री टेस्ट सीरीज एवं प्लस टेस्ट सीरीज रो एडवांटेज मथे नै परबे. मार्च मासर कैलेंडर फ्री टेस्ट सीरीज एवं प्लस टेस्ट सीरीज पई आपन का आगे रही छि, आपन माने मथे यार व्यवहार आपन करि परबे. सही प्रकार हमरो T20 स्कॉलरशिप टेस्ट मध्य रहे, 30 मिनिट्स रो टेस्ट मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपन माने स्कॉलरशिप टेस्ट रो मध्य फायदा उठाई परबे. सही प्रकार आपण माने टीचिंग एग्जाम रो मध्य प्रिपरेशन आपण करि परबे Unacademy माध्यम रे. एवं Unacademy होउची गोटे आपण का बहुत बड़ क्विज प्लेटफॉर्म जो थरे कि हमें 5000 प्लस क्वेश्चंस अपलोड आपण करिचो. तो आपण माने सब्जेक्ट आपण सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस आपण देई परबे, मॉक लगे परबे एवं कॉन्फिडेंट रहि परबे. एवं Unacademy के जो माने जॉइन करिबा को चाहछन्ती वर्तमान गोटे हमर ऑफर मध्य पण चली छि. सो 20% आपण कर वर्तमान डिस्काउंट आपण होउची हमर सीजीएल कैटेगरी पई एवं टीचिंग एग्जाम पई. जदि आपण माने के सीजीएल कैटेगरी जॉइन करिबा को चाहछन्ती 20% ऑफ रही प्लस ताप सहित 10% डिस्काउंट रही. आम कोड व्यवहार कले, मो कोड हूँ PM2022 एवं या पर आपंकर 10% कॉइन रे रिडीम रही. तो आपन ए आकर्षणीय पुरस्कार आपंकर वर्तमान लिमिटेड पीरियड पर्यंत रही. तो आपण माने समस्ते यूज आपण माने समस्ते जॉइन करिया को चेष्टा करंतो. मोर रेफरल कोड व्यवहार करिया को भूलिबे नहीं, PM2022. सो जो माने भी एनरोल होबाक चाहछन आपण माने एनरोल हि परबे. हमर Unacademy रो टीचिंग एग्जाम रो प्रिपरेशन मध्यम करि परबे एवं सीजीएल एसएससी प्रिपरेशन मध्यम करि परिबे. कोर्स फी सबुठी कोर्स फीस आपन समान. सो जदि आपन माने आज आपन 12 मंथ रो जॉइन करछन्दे आपन को पड़िबो 3500 टंका. फाइन 3500 टंका रे आपन माने Unacademy एसएससी रो सब्सक्रिप्शन नै परिबे. जो माने Unacademy को व्यवहार करबा को चाहछन्दे आपन माने Unacademy ऐप को डाउनलोड करंतु एवं आज ही आपन माने Unacademy रे प्रिपरेशन आरंभ करंतु. Unacademy ऐप डाउनलोड करला परे आपन को से गोल आपन को पचरिबो. सो गोल रे आपन माने सिलेक्ट करिवे आपन स्टेट पीएससी रे ओपीएससी. गोल रे सिलेक्ट करिवे स्टेट पीएससी रे ओपीएससी एवं तापरे आपंकर ओपीएससी रे सीजीएल आपंकर कैटेगरी मध्ये रही है. ओपीएससी रे सीजीएल एवं ओपीएससी सब्सक्रिप्शन को आपन माने नै परिबे एवं निजर प्रिपरेशन को आरंभ करि परिबे. तो रेफरल कोड सेथरे आपन पचारिबो फ्री क्लासेस करिया पई. तो रेफरल कोड होची मोर PM2022. तो ये होची Unacademy एवं Unacademy रो एडवांटेज आपन माने समस्त नबा को ट्राई करंतु. आपन मानकर जदि किछि भी क्वेरीज थाय ताले आपन माने कमेंट्स रे पण जणि परिबे. आसंतु आपन स्टार्ट करिवा आज रो टॉपिक. ओके, सो फिजिक्स रे हमें बेसिकली आपन केमति कोन क्वेश्चंस आपन एग्जाम से देखिबा को मिलिबो एवं फंडामेंटली हमें कवर अप करि जीवा. ओके, एवं आपन कही जी आपंकर कोटा को फोकस करेंगे एग्जाम से आपंकर कौन इंपोर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स हमें स्टार्ट करूँ आपंकर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर. यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इज द फर्स्ट चैप्टर. सो आपंकर यूनिट्स उपर गोटे क्लारिटी थी दरकार और क्वेश्चन आप डायरेक्टली आसे. ये स्लाइड सब इंपोर्टेंट होचे आपंकर लुमिनस इंटेंसिटी क्वेश्चन आपंकर बारंबार क्वेश्चन एग्जाम रे आसी. सो आप फंडामेंटल यूनिट्स आमर जो रही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई यूनिट्स जो रही 7टा बेसिक यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स रही है और अलग सब यूनिट्स गुड़क या डिराइव होती. तो ये जो 7टा फंडामेंटल यूनिट्स एगुड़क आपको निहाती भाव मन रखा दरकार. जमती कि लेंथ हमें कहवा, लेंथ यूनिट होची मीटर, मास रे यूनिट होची केजी, टाइम रे यूनिट होची सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट रे यूनिट होची एम्पियर, टेंपरेचर यूनिट होची केल्विन, डिग्री सेल्सियस नो कि डिग्री फारेनहाइट नो. बहुत तरह क्वेश्चन आसे यार माने आपन कन्वर्जन रे को भी क्वेश्चन आपन आसे देखिबे देखो हैला. केल्विन रे थिबो ताकु सेल्सियस करंतु सेल्सियस थिबो फारेनहाइट करंतु बहुत इजी फार्मूला ताकु हम पर डिस्कशन करिवो ताकु मते देखिबे एम्ति क्वेश्चन आपन आसे लुमिनस इंटेंसिटी जो आपन कहउले बारंबार क्वेश्चन आपन रेडी पचारि सारिस लुमिनस इंटेंसिटी यूनिट होचे आपन कैंडेला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होचे आपन दैट इज तार यूनिट होचे आपन मोल ओके नेक्स्ट आपन सर देखंतु सप्लीमेंटरी यूनिट आपन गोटे जिंस मन रखिबे दीज आर द डायमेंशनलेस यूनिट्स ओके सो दीज आर द डायमेंशनलेस यूनिट्स व्हिच इज used along with the fundamental units to form your derived units जहां हम आपन कहबी derived units आपन को सब तक यूनिट्स हम जहां भी आपन को बेसिकली हम यूज करू सब से सब derived units थाई फॉर एग्जांपल हम जदी आपन कहबी तबे एरिया नियंतु वॉल्यूम नियंतु ओके प्रेशर नियंतु ओके देन आपन को कोन माने जो पोटेंशियल डिफरेंस नियंतु जहां हम फंडामेंटल यूनिट्स देखिने आ ताको हम derive करी कि पर यूज करछि से सब को derived units ओके सो एठी देखंतु दीटा आपन को मन रखिबे दीटा आपन को जो purely geometrical units रहिछि द क्लास of supplementary units which contains only two purely geometrical units that is your radian or steradian radian ho je apnakara plane angle ko measure kare pa me radian use karu ebong solid angle ko measure kare pa apna steradian apnakara use hoye to ei dita apnakara mone rakhbe in supplementary units rest of the things are raila apnakara derived units for example jodi mu kahi apnakara area is nothing but your length into breadth so length unit apne kon dekhile meter breadth is also length and so its unit is your meter that means area is meter into meter that is your meter square right bujhi pale samaste एरिया रे यूनिट होचे आपनकर मीटर स्क्वायर सिमिलरली आपनकर वॉल्यूम रो यूनिट होचे आपनकर मीटर क्यूब ओके सिमिलरली आपनकर टॉर्क रो यूनिट आपनकर कोन टॉर्क आपन मेंशन जानथि ओके सो दैट इज योर कोन फोर्स इनटू रेडियस राइट फोर्स इनटू रेडियस होचे द फार्मूला दैट मींस फोर्स रो यूनिट कोन न्यूटन और रेडियस रो यूनिट होचे मीटर से न्यूटन मीटर ये सब गुडी को हम डिस्कस करछे ये सब होचे आपनकर डिराइव्ड यूनिट इज इट क्लियर नेक्स्ट अपन को देखंतु 1 लाइट ईयर होची 9.46 into 10 to the power 15 मीटर सो पार्सेक सो एगुडी को सब कोन अपन को डिस्टेंस दैट यू नीड टू रिमेंबर डायरेक्टली क्वेश्चन अपन को आसी सारिस द लाइट ईयर पार्सेक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये सब अपन को कोन ना दीज आर द नथिंग बट योर डिस्टेंसेस ओके सो जे तोड अपन को सेलेस्टियल बॉडीज रे अपन को डिस्टेंस अपन मेजर करंती बा लाइट अपन को मेजर करंती केते अपन को डिस्टेंस रहउची सो से तोड अपन को हमें ये सब यूनिट्स को अपन यूज करू ओके 1 मेट्रिक टन दैट इज योर 1000 केजी दैट यू नीड टू रिमेंबर 1 मेट्रिक टन होची 1000 केजी 10 टू द पावर 3 केजी ओके ये सब आपनकर सुपर पावर्स अपन रहइबो ओके सो 1 क्विंटल 10 टू द पावर 2 केजी ओके सो दैट मींस योर 100 केजी 1 क्विंटल अपन जानछन 100 केजी एवं 1 मेट्रिक टन होची आपनकर 1000 केजी कंफ्यूज हेबेनी बारंबार कंफ्यूज होंदी से अपन देछि एटी सिमिलरली आपनकर पावर यूनिट होची आपनकर वाट और 1 वाट आवर आपनकर होची 3600 जूल राइट सो 1 किलोवाट जदि हमें कहबा सो 3.6 into 10 to the power 6 जूल ओके सो आपनकर मन रखिबे 1 हॉर्स पावर आपनकर केते दैट इज योर 746 वाट मन रखंतु 1 हॉर्स पावर इज योर 746 वाट डायरेक्टली बारंबार क्वेश्चन आपनकर आसीछि तो सब स्लाइड रे म आपन कहू जे कोन क्वेश्चन आसीछि एवं कोन मेमोरी के दरकार से सब को आपन हाईलाइट करबे 1 हॉर्स पावर हो जे आपनकर 746 वाट ओके इज इट क्लियर नेक्स्ट सर आपन देखंतु रेडियो एक्टिविटी हम केमिस्ट्री ऑलरेडी पढि सारथिले रेडियो एक्टिविटी रे म तीनटा ना आपन कहथिले मन रखे पे ओडो जे हेनरी बेक्यूरियल मैडम क्यूरी पियरे क्यूरी जोथि पई तांको आपन नोबेल प्राइज रे सम्मानित करा जाईछि राइट सो ए रेडियो एक्टिविटी रे आपन इति जिंस आपन मन रखिबे एग्जाम पॉइंट इंपोर्टेंट ओके रेडियो एक्टिविटी दैट इज सेट पई तमन को जॉइंटली आपन नोबेल प्राइज आपन मिलिछि हेनरी बेक्यूरियल नाम मन रखंतु क्वेश्चन आपन बारंबार ऑलरेडी आसेछि मैडम क्यूरी एवं पियरे क्यूरी ओके सिमिलरली आपनकर न्यूक्लियर फिशन एवं फ्यूजन हम आपनकर डायरेक्टली हम डिस्कशन करिथिलि म आपनकर केमिस्ट्री द्वारा आपनकर पढाइथिलि राइट सो सेथरा हम बहुत क्लियरली हम डिस्कशन करथिले न्यूक्लियर फिशन हम एटॉमिक बॉम्ब रे आपनकर यूज करूची एवं न्यूक्लियर रिएक्टर रे आपनकर यूज होची तो क्षेत्र आपनकर दीटा भीतर डिफरेंस कोन एटॉमिक बॉम्ब रे आपनकर अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हुए एवं आपनकर न्यूक्लियर रिएक्टर रे जोटा कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हम करू क्षेत्र आपनकर कोन हुए कंट्रोल्ड थाई बिकॉज़ हम कंट्रोल रॉड सेठी आपनकर यूज करू छे सो एठी आपनकर जो रहितला जो यूरेनियम 235 एवं प्लूटोनियम 239 कथा एठी आपनकर आसीबो व्हिच इज यूज्ड एज ए फिशनेबल मटेरियल ओके जो थ्रू कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपन लिबरेट होबा एवं न्यूट्रॉन्स क्षेत्र आपनकर बारिबो से न्यूट्रॉन्स इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर दिस चेन रिएक्शन ओके nuclear fission was first demonstrated by your Halley and your Fritz Strassmann next hoche apanakara nuclear fusion apanakara kono na jeta bole whenever two or more light nuclei combined together to form a heavier nucleus that is called as a nuclear fusion jore ki amko sun re apanakara dekhiba ko mile setara apanakara helium apanakara produce hue right so apan mon rakhithibe jamu apan kahithili for the nuclear fusion a temperature of order of 108 kelvin is required hydrogen bomb was made by the American scientist in 1952 based on from this nuclear fusion. Okay, so jo apan ka hydrogen bomb apan ka produce heitla, okay, jo apan invent heitla 1952 re, so this was based on nuclear fusion. It is 1000 times more powerful than atom bomb. Atom bomb jeti ke apan ka area apan destroy kariyo ba jeti ke apan parbo tar 1000 times that you can imagine, right, nuclear fusion. So that's why it is very very powerful. Apan janchini it consists of enormous power, right. So nuclear reactor or atomic pile apan ka dekhantu nuclear reactor bisare ame already body said. So this is mainly used to produce your electricity, right. So to produce electrical energy from the energy released during your fission, nuclear fission, okay, fission you confuse any directly upon questions apan pacharichi. To produce different isotopes, this can be used your medical, physical and your agricultural science. Nuclear reactor apan kor kon thai na, it is in which control nuclear fission. Apan koithili nuclear reactor ebong atomic bomb bithre difference e aje. Nuclear reactor apan kor control nuclear fission reaction apan kor hue, but setre apan kor uncontrolled atomic bomb re. First nuclear reactor apan kor established with Chicago University under the supervision of your professor Enrico Fermi, okay, Enrico Fermi, okay. So tanko under re Chicago University apan kor first nuclear reactor ra establishment hue. Heavy water, graphite, beryllium oxide, so these are the substances that we used to slow down your moving nucleus. ताको अपन को moderator कहते हैं. So moderator का काम कौन ना जेता बड़े अधिक न्यूटन्स अपन को रहा तो न्यूटन्स रा स्पीड्स को ताको हम को slow down करने पे मैं moderator यूज करूँ. So most important एवं most common हो जाए अपन को heavy water, okay, directly क्वेश्चन से आप रे आसी ची. Heavy water, graphite एवं beryllium अपन को रहा यूज हमें करी परिवार beryllium oxide अपन को रहा slow down करने पे न्यूटन्स रा movements को. Uses of nuclear reaction. Nuclear reactor हमें जान ले जी अपन को electricity production पे एवं to produce different isotopes, ओके, जोटा कि परवर्ती समय रे अपन को medical, physical एवं agricultural science रे अपन यूज करि परबे. सेति पय कि nuclear reactor अपन को जो fissionable fuel हमें जो यूज करू, ओके, फॉर दिस दैट इज योर uranium 235 और योर uranium 239, दैट यू नीड टू रिमेंबर. मॉडरेटर अपन को कोन करंती ना अपन को न्यूटन्स रे एनर्जी को अपन को डिक्रीज कर दियंती. सेति पय कि कोन होए ना तांकर मूवमेंट अपन को स्लो डाउन हो जाय, ओके, तापरे so that they can be further used for your fission reaction. Heavy water and graphite, these are used as your moderator, that you need to remember. Control rods को अपन को कहूतली सेतरे अपन को कोन होय जो एक्सेस न्यूट्रॉन अपन को बाहिबो सेगुडी कहू मेन कोन. दीज आर मेनली रेस्पोंसिबल फॉर दिस चेन रिएक्शन. एकु हमको ऑब्जर्व करिया दरकार कोनोसी प्रकार नहले कोन होबो ना अनकंट्रोल्ड हे जिवो ताको हम कंट्रोल करि परिबानी. सेति पय कि कार्डमियम एवं बोरोन रोड्स अपन को यूज होय, ओके, मन रखंतु बीसी, ओके, कंट्रोल करिया पे बोरोन एवं कार्डमियम रोड्स अपन को यूज करा जाय टू ऑब्जर्व योर एक्सेस न्यूट्रॉन्स, ओके, व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन दिस fission process so that chain reaction can be controlled. तो एते को आपन को मन रखिबे. हमें मु केमिस्ट्री भी आपन को डिस्कशन करथिल केमिस्ट्री क्लासेस रे, तो फिजिक्स रे आपन को आउरी क्लियर हे जइतो विथ मु आपन कहितले जे मु परवर्ती समय रे आपन राइटिंग नोट्स आपन को देबी, तो से आपन को एटा देखि नेबे. तो तापर सर आपन देखंतु फिजिकल क्वांटिटी. सो फिजिकल क्वांटिटी रे दीटा जिंस आपन को समझ जानि थि ऑलरेडी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. सो द क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, दैट आर कॉल्ड एज योर स्केलर क्वांटिटी. For example, your mass, time, distance, speed, electric current, your energy, okay, pressure, ये सब कुछ अपन का स्केलर क्वांटिटी. जहारो केवल प्रेस माने मैग्नीट्यूड थिबो पर तार किछि डायरेक्शन न थिबो, ओके. सो मास ला मास अपन के कोन दिस इज द अमाउंट ऑफ स्टफ दैट इज प्रेजेंट इन ए बॉडी, ओके. सो सको जब मैं मास कहूजे एवं जेतो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जेतो अपन के आसी जेतो अपन का डायरेक्शन आसी जो ग्रेविटी सेटा अपन को वेट हे जो हम परवर्ती समय रे अपन डिस्कशन करबा मास और वेट अपन का डिफरेंस, ओके. सो एटी वर्तमान अपन को देखंतु वेक्टर क्वांटिटी अपन को कोन जहार मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन थिबो. फॉर एग्जांपल योर डिस्प्लेसमेंट, योर वेलोसिटी, योर फोर्स, एक्सीलरेशन, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दीस आर द एग्जांपल ऑफ योर वेक्टर क्वांटिटीज. इज इट क्लियर? नेक्स्ट अपन सर देखंतु डिस्टेंस. डिस्टेंस सर अपन को कोन दिस इज द एक्चुअल पाथ दैट इज कवर्ड बाय ए बॉडी, ओके. सो एठी जे मु आपन को ए नेबी और आपन को बी नेबी, सो ये जो एक्चुअल पाथ आपन कवर अप करले ना एटा होछ आपन को डिस्टेंस. जदी मु डिस्प्लेसमेंट जदी आपन कहबी, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स. सो दैट मींस योर डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 इन दिस केस एंड योर डिस्टेंस विल बी दिस मच पाथ, ओके, दैट यू हैव कवर्ड. सो डिस्टेंस जदी मु आपन को कहबी डिस्टेंस आपन को माने हमें कहि पिलबे जे स्केलर क्वांटिटी, राइट, बिकॉज़ एटा डिस्टेंस रे मु कोनो से आपन को माने वी आर इंटरेस्टेड इन द एक्चुअल पाथ और टोटल पाथ दैट इज कवर्ड, ओके. सो सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट अपन करनो हो ना सेटा अपन शॉर्टेस्ट पाथ अपन कर हे जो, ओके. सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ अपन करबो व्हिच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो जो हम डिस्कशन करले. So a dual path length covered by a body is called distance. Eta hoche apan scalar quantity apan kahili. Yar unit hoche apan meter. Both are questions apan pachaje what is the instrument. So odometer measures what? Odometer measures your distance. Okay, speedometer measures your speed and odometer measures your distance, that you need to remember from an exam point of view. Among out is some on distance is always positive. Yeah, questions as distance can be positive, negative or zero. No, false. Displacement can be positive, negative or zero. Example. So displacement corona, this is the minimum possible distance between the 2 points. Theta points with the minimum possible distance upon the straight line ho measure karibe. Okay, path cover the minimum distance displacement or distance is actual path. So say scalar vector is distance and scalar displacement of vector because it has both magnitude and direction. Right, so yar madhya apankara SI unit hoche apankara meter because jetu apankara length ko denote karuchi, which is also measured by your odometer. So odometer is the instrument which measures your distance, and displacement can be positive, negative or even zero. Is it clear? When a body mu jota apankara example doutli jetole se position ta starting ru initial position ru jetole apankara start kare ebong again se return kare jibo seiti tara displacement apankara zero hobo. Speed ro formula apankara konna speed is your distance by your time. Speed hoji distance by time, which is a scalar quantity and its unit is your meter per second. Okay, barambar questions bhi asichi. Measured by instrument called as your speedometer or how the wind speed को measure करूँ तब हमें को anemometer, okay. So wind vane that indicates your direction of your air. Okay, so similarly हम जो velocity को था हमें discussion इटा अपन का करिया. Velocity is nothing. Velocity होची अपन को ना हमें speed देखिले. Okay, so speed होची अपन को ना distance by time query sera hoche apanka scalar quantity, right? Velocity sei sense apanka vector quantity. Velocity is given by your displacement by your time. Eko apanka velocity is your displacement by time. So distort he hoche, please rectify it. Okay, velocity is nothing but your displacement by time. Speed ame dekhile distance by time, velocity hoche apanka displacement by time. Okay, displacement by time. Eta hoche apanka vector quantity, unit apanka saman reba meter per second measured by your speedometer. Similarly, the acceleration kotha kaiba, acceleration is nothing but your change in velocity with your time. So acceleration hochi change in velocity with time. Acceleration is equal to change in velocity mane apanakara final velocity minus initial velocity divided by your time. Similarly, acceleration hochi gote apanakara vector quantity, tar unit hochi apanakara meter per second square. Very very important mane rakhantu. Acceleration hochi velocity by time. The velocity unit apanakara kon thila na meter per second ebong time re unit kon thila second, ta mane apanakara kon thila meter per second square hela ki nai. Okay, so ei sub roila am scalar vector bisare apanakara mane rakhibe. Okay, so the rate at which velocity changes is called as your acceleration. Acceleration can result from a change in speed, increase or decrease, or a change in direction, whether it is back, forth, or your up, down, left, right. Changes over, changes in both. So velocity, acceleration is all vector quantities that you need to remember. Okay. Next apan sir Newton's laws of motion apan class ko discussion kariba. So physics ro bahut important hoche apan kara Newton's jo apan kara laws roichi, Newton's laws. So first law, second law, third law apan ko mone rakhiya padibo. As it is statement bi apan kara interview ro directly apan ko questions pacharante to check the common sense of the people. Okay, so directly se mane apan kara Newton's laws ko directly pacharibe ebong apan kara se explain kariya bi apan kara kohanti. Both common exams re eta it is my observation that they actually because physics upon Newton's laws bina adhura, right? So first law upon kon kochi dekhantu, whenever a body is at rest remains at rest. Whenever a body is in motion, it continues to move in the same direction and in same speed until and unless an external force is applied to it. Ta mane se ya kochi, okay, so ta mane se ya kochi je gote body se upon rest re rahibo ba gote body jodi motion re thibo se motion re rahibo जेपर्यंत किसी गोटे एक्सटर्नल फोर्स ताको अप्लाई करा जायनी, जदि से रेस्ट रे थिबो ताको मोशन करनिया पे बा जदि मोशन रे थिबो ताको रेस्ट करनिया पे. मो कथा बुझी पले? इज इट क्लियर? माने गोटे बॉडी से जहा थिबो एटी कांसेप्ट आसबो इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन. ओके, इनर्शिया इज टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंजेस इन इट्स वेलोसिटी वेदर इन मोशन और इन मोशनलेस. ओके, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट पेज. सो एटी आपन मन रखंतु फर्स्ट पेज रे जे जो कोनो से बॉडी जे कोनो से स्टेट रे आपन कर थिबो अनलेस एंड नॉट किसी एक्सटर्नल फोर्स ता ऊपर एक्ट करनी जे सही पोजीशन रे ही रहिबा को से पसंद करिवो. Next hoche apan kara Newton's first laws of motion giving definition of force. Okay, so Newton's first law gives the concept of your inertia, jeta me discuss karu thile. If a body is in a state of rest, it remains in state of rest. যদি গোটে বডি রেস্ট রয়েছে তাহলে সে রেস্ট হি রহিবো। ইফ এ বডি ইজ ইন মোশন ইট রিমেন্স ইন মোশন, যদি সে মোশন রে যাচ্ছে তাহলে সে মোশন রে রহিবো। সো টাইপস অফ ইনর্সিয়া, ইনর্সিয়া অফ রেস্ট আপনারা দেখুন, ইনর্সিয়া মোশন আছে এবং ইনর্সিয়া ডাইরেকশন, তিনটা জিনিস আমি পড়িবো। ইনর্সিয়া অফ রেস্ট কোন না, যেতবেলে গোটে বডি আপনাদের রেস্ট রয়েছে সে আপনাদের রেস্ট হি রহিবো। তো দেখুন গোটে বস রে সব লোক মানে বসিছেন বা গোটে কার রে লোক মানে সমস্ত বসিছেন, সে রেস্ট পজিশন রে আছে, লোক মানে বি রেস্ট পজিশন রে আছে। সডনলি যখন আপনাদের বস মুভমেন্ট করিবা স্টার্ট করিবো প্যাসেঞ্জার মানে গোটে আপনাদের backward jerk कोटे अपन कर पाइबे। ओके सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिकॉज़ जे माने पैसेंजर भी अपन का रेस्ट पोजीशन थिले आ हम बॉस भी अपन रेस्ट पोजीशन थिला, सडनली जदर कोटे एक्सटर्नल फोर्स अपन का अप्लाई करा गला एवं बॉस मूवमेंट अपन लागिला सेति में से माने कोटे बैकवर्ड जर्क अपन कर पाइले। व्हेन ए ब्रांच ऑफ ट्री सेक्स द ट्रीज देन द फ्रूट्स एंड लीव्स डिटैचेस फ्रॉम द ब्रांच, राइट। सो जदर अपन कर गच्छ रे अपन कर ब्रांच रे अपन कर फल अछि अपन कर फूल अछि तो सेगुडी कोन होय ना से रेस्ट पोजीशन अपन थांदी इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ एक्स इज जदर अपन किसी फोर्स अपन का दोचंदी अपन किसी हलौचंदी गच्छ को तो जेहेतु अपन का गच्छ अपन मूवमेंट करिवा लागुचे एवं बॉडी से ट्राई करछ से रेस्ट पोजीशन रे आबे तो सेतरे अपन गोटे डिस्टर्बेंस अपन का आसुचे, गोटे मोशन गोटे अपन क्रिएट होची, गोटे मूवमेंट अपन का होची, जेते पे कि जो रेस्ट जो माने फुल फल जो थिले से माने पड़ीबा को स्टार्ट करे, राइट। जो अपन टिके वीक थिबो तो से माने कोन करंती ना से पोजीशन अपन का डिटैच होबा अपन स्टार्ट करंती। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिमिलरली यदि इनर्शिया ऑफ मोशन हम देखिबा सो बॉडी एट मोशन टेंड्स टू रिमेन एट मोशन, जेमिति कि गोटे सडन गोटे अपन का कार रे जेतो अपन का कार मूवमेंट होची सो पीपल अपन का लोको कोन ना लोकंकर भी मूवमेंट आपन को रहउची विथ रिस्पेक्ट टू योर आउटसाइड एनवायरनमेंट, राइट। तो जेतो बळे जेतु आपन को बॉडी टा आपन को मोशन रे रहउची जेतो आपन को कार आपन को जाउची देखंतु आपन रेस्ट ना पोजीशन आपन माने रेस्ट रहचंती ना मोशन रहचंती इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस। ओके कहा रेफरेंस रे म कथा वार्ता करूची, जदी म आपन को साइड वाला रेफरेंस आपन कथा वार्ता करूची बा बॉस को रेफरेंस नै के आपन कथा वार्ता करूची ऑब्वियसली यू आर इन द रेस्ट पोजीशन, बट एक्चुअली जदी म आपन को बाहर मु देखुची सो बॉडी इज मूविंग एंड यू आर आल्सो मूविंग, राइट। सो सेतबेला कोन होए ना जदी बॉस जदी सडनली आपन को बॉस को रोथिबा को चाहि बा कार को रोथिबा को चाहि गोटे सडन ब्रेक अप्लाई करी कि ताहाले कोन होए ना आपन फॉरवर्ड जर्क आपन को पांती, बिकॉज़ आपन भी मूवमेंट करिया को से समय आपन को ट्राई करचंदी, बिकॉज़ यू आर आल्सो इन द मोशन विथ द बॉस। ओके बॉस भी मूवमेंट करछ एवं आपन को भी मूवमेंट होची, बॉस जेतु सडनली रहि गेला तनु आपन भी माने सडनली रहिया पूर्व आपन मूवमेंट करिया को ट्राई करचंदी एवं ता परे आपन रहउचंदी ता माने सेति को फॉरवर्ड जर्क को आपन को लागी। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनर्शिया मोशन। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कोन ना बॉडी टेंड्स टू मूव इन द सेम डायरेक्शन इन व्हिच इट इज मूविंग। भाबी नंतु गोटे आपन को गोटे सूता नेउचंदी एवं गोटे दौड़ गोटे इटा को बांधी कि आपन गोल गोल बुलाउचंदी। ओके दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। भाबी नंतु गोटे जगह रे आपन को छिडी गला दौड़ीटा टाइ छिडी गला से जो डायरेक्शन रे छिडी बना सेही डायरेक्शन रे से आपन को जो रिमेनिंग नॉट टा आपन जाई कि सेही डायरेक्शन रे माडा होबो बा आपन को एठी जदी आपन नॉट होबो तले से एही डायरेक्शन आपन माडा होबो तो टैंजेंट वाइज तार डायरेक्शन से आपन को जीवो जोड छिडबो तार सेही डायरेक्शन रे से आपन को मूवमेंट आपन करि जीवो बुझी परसंती। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। A best example दो जो व्हेन ए कार टेक्स अ शार्प टर्न द पैसेंजर फॉल आउटसाइड द कार। ओके सो जदी हमें डोर आपन को खोली देबा ओके एवं मु जदी आपन को कार रे सीधा नेकी जीबी त आपन माने केही पडिबेनी। ओके जदी मु कार को शार्प टर्न करली त आपन माने जो बसिथिबे सो आपन माने समस्त पडि जीबे लेफ्ट साइड रे जेतोर मु लेफ्ट टर्न नेबी आपन लेफ्ट साइड पडि जीबे राइट टर्न ले राइट साइड आपन को पडि जीबे। दिस इज आल्सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया या पर डायरेक्टली आपन का फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपन क्लास है पर न्यूमेरिकल आसी एसएससी टाइप रे एग्जाम माने जो माने प्रिपेयर करछनी सो दैट यू नीड टू रिमेंबर इनर्शिया ऑफ रोटेशन दैट इज i इज गिवन बाय m r स्क्वायर पर m इज नथिंग बट योर मास ऑफ बॉडी एंड r इज नथिंग दैट इज योर डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके सो r इज योर डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम योर एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड i इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So that this formula you need to remember, which is very very helpful for your exam point of view. Next आपण देखन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपण को कोन खोजी ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। सो p इज इक्वल टू mv, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ओके सो दिस मोमेंटम इज नथिंग a vector quantity whose unit is your kg meter per second. Okay it is given by your mass into velocity. Okay so impulse is nothing but your rate of change of momentum. Rate of change of momentum is directly proportional to your applied force that you need to remember. So second force sakase ame pauche je force is equal to mass into acceleration, right? Force equal to mass into acceleration, it is given by the Newton's second law that you need to remember. Is it clear? The rate of change of momentum is directly applied to the proportional force ame paduche. Okay net force of an object is equal to or I can say net force on an object is equal to the product of your mass and your acceleration. बुझीपारे मास हूँ आपंकर केजी और एक्सेलरेशन यूनिट कौन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स यूनिट कौन थे ना न्यूटन बुझीपारे तापर मुझे 1 न्यूटन को केमी डिफाइन करी ना इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1 केजी ऑफ मास एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज इट क्लीयर बुझीपारे समस्ते ओके। तो नेक्स्ट आप देखो change in momentum माने होची फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम माने व्हेनेवर आई एम यूजिंग द वर्ड रेट दैट मींस इट इज डिवाइडेड बाय योर टाइम सो दैट इज mu माइनस mu बाय टाइम सो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट ए चेंज इन मोमेंटम बाय योर टाइम। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अपन देखंतु टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन दैट सेज न्यूटन थर्ड लॉ वेरी वेरी फेमस एंड बहुत इजी समस्त आपनकर के किसी मन रखु न रखु न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो समस्त मुह रे थिबो ही थिबो सो जतल आपनकर रॉकेट आपनकर आपनकर फायर होए बा आपनकर गन जतल रे आपनकर फायर करंती बुलेट जतल आपनकर फायर होए गन रु बा व्हेन एन ओर इज मूव्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इन वाटर ओके जो आपनकर जो डंगा जो आपन पार करंती जो आपनकर ओर आपन यूज करंती जतल आपन कौन करंती ना डंगा को आपन बैकवर्ड ठेलंती बोट रो मूवमेंट फॉरवर्ड करिया पे राइट सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल माने फॉर एवरी आपन एक्शन कोन हला आपन बैकवर्ड हला किंतु माने आपन करा रिएक्शन कोन हला आपन फॉरवर्ड हला सो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन दैट इज द बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हिच इज सेज वर्क इज नथिंग बट योर प्रोडक्ट ऑफ योर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ योर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो ये आपको देखो कि मोशन्स आपन डिस्कशन करिबा सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपन सर्कुलर मोशन आपन डिस्कशन करिबा व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन जतले गोटे बॉडी आपन ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को आपन फॉलो करिवो सेटा होय आपन सर्कुलर मोशन। द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्ट रेडियली इनवर्ड ओवर द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल फोर्स ओके। दीटा फोर्स आपन अछि गोटे होय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउट होय सेंट्रीपेटल फोर्स ओके सो सेटा आपन को क्लियरली आपन माने बुझिबा दरकार एल्स आपन कोन होबा ना कंफ्यूज होबो सो जोटा आपनकर इनवर्ड आपनकर एक्ट करूची ओके मन रखंतु एठी पढ़ला बेले बहुत स्पीडली पढ़ौची सो मे भी आपनको टी स्पीड लागै पारे तो ताको आपनकर स्लो भी देखि परंती आपनकर ऑप्शंस अछि सेतिर आपनको सेटिंग्स रे न होले आपनका कोन करिवे ना पॉज करि करि वीडियोस को देखंतु बिकॉज़ एट स्टेज मो वीडियोस बने को ट्राई करूची एक्चुअली क्लास रे पढ़ला बेले कोन होवे गोटे टॉपिक की डाकिले सर्कुलर मोशन तापर आमे वेट करू 3 मिनिट पिला रेडी हेले कि नै तापर डिस्कशन हुए तापर डिस्कशन करला परे कोन आमे नोट डिटेक्ट करू तो गोटे सर्कुलर मोशन आपनकर जदी क्लास रूम रे पढ़िबे मिनिमम 10 मिनिट्स आपनको लागि जाय फ्रिक्शन पढ़िले आपनकर 30 मिनिट्स आपनको लागि जाय जहां एपर जदी यूनिट्स आमे जो पढ़िले से यूनिट्स रिएक्ट यूनिट्स ए तो खाली माने जोटा बेसिक चीज जोटा आमे 10 मिनिट रे 5 मिनिट आमे कवर अप करछे इन दिस क्लास सो सेति कि ताको खाली आमे 10 टू 20 मिनिट्स अपन खाली यूनिट्स रे खाली आपन कर जाय पुणे अगेन नोट डिटेल के पे आउ 10 मिनिट्स एक्स्ट्रा बुझी परछन सो एई थरे आपन कर क्लास गुडी को माने लिंगरिंग वे बट हमर कोन रहउची ना क्लास आपन को शॉर्ट रहउची एवं मैक्सिमम आपन को मु क्वेश्चंस आपन को ट्राई करूची आपन देखुतेबे जे प्रति स्लाइड रे मु क्वेश्चंस आपन को कहउची एवं सेई थरे मु आपन को माने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपन को मन रखिया दरकार कोन आपन को दरकार जे सब जिंस को डिटेक्ट कर दउछ ओके सो दैट आपन टाइम सेव करि परंती नोट्स बनेबार टाइम सेव करि परंती अननेसेसरी डिस्टरबेंस जा आपन जो रहे क्लास में डिस्टरबेंस की आसला की गला ता ना पचर या ना पचर ये सब को हम अवॉइड करि परछु सो दैट इज द बेस्ट माने आपन को कहि परिबा सो दिस माने आपन को जीवा आसिया टाइम रे आपन माने क्लास को समराइज करि परछुनी रिवाइज करि परछुनी क्लास को सारी भी परछुनी सो दैट इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस ऑनलाइन एजुकेशन ओके सो विश यू ऑल द बेस्ट आपन समस्त भलो से प्रिपेयर करंतु एवं प्रिपेयर करूथांतु एवं माने जहां हमें दउची आपनकर जो माने प्रिपेयर करूछन आपनकर ओपीएससी पाई ओएमएस पाई बा आपनकर ओपीएससी रे अलगा एग्जाम पाई बा आपनकर ओएसएससी ओटीपीएससी आगु को आउ जहां सब आपनकर एग्जाम्स आसुची जेमि कि रेलवेज आईबी आपनकर एसएससी हेला तापर अन्यन जे कोन से एग्जाम थरे ए कोर्स आपनकर जो नै जति ताको कंप्लीट करसिला परे you will have 110% confidence to crack any exam okay so that is the level of confidence that I am giving and definitely देखिबे बहुत कंटेंट आपन को डायरेक्टली देखा जिवो क्वेश्चंस एग्जाम रे ओके सो ए हिसाब रे हम प्रिपरेशन मो ट्राई करू छ आपन प्रिपेयर करिया पे तो मो भी थकी गेलेनी हम नेक्स्ट क्लास रे आपन को मोई मोशन आपन को स्टार्ट करिबे ओके तापर हम प्रिंसिपल्स देखिबा एवं आपन को वर्क बेसिस डिस्कशन करिबा तापर मो आपनकर जो हमें केमिस्ट्री रे मो आपनकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कथा कहितली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कथा कहितली ता विषय डिस्कशन करिवा ग्रेविटेशन विषय रे हम डिस्कशन करिवा क्योंकि केमिति ग्रेविटेशन वेरी करे मास एंड वेट विषय रे मो आपनकर बहुत जे मार्क आपनकर देखिबी मास एंड वेट केमिति आपनकर वेरी करूची तापर क्वेश्चन आपनकर केमिति आसुची एठी आपनकर वेट आपनकर जो रहिची मोशन रे केमिति आपनकर वेट वेरी करूची ता विषय डिस्कशन करिवा सो तापर सैटेलाइट तापर होची आपनकर वेव्स विषय रे मो आपनकर जोटा हम वेब रखी आप लाइट आम डिस्कसन करवा और इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ये सब हम डिस्कसन करेंगे आप फिजिक्स क्लास ओके सो आप देखुता वीडियोस नेक्स्ट क्लास पुणी क्लास रिज्यूम करवा विश यू ऑल द बेस्ट विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू एंड गुड